नमस्कार बच्चों, पांचवी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पांचवा पहचान हमारी भाग एक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ में वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनका परिचय इस पाठ द्वारा कराया गया है। देखो बच्चों, वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला मतलब क्या, उसकी परिभाषा है। हिंदी में व्याख्या को परिभाषा कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो बच्चों, वर्णमाला में दो भेद होते हैं। स्वर, उसे अंग्रेजी में ओवेल्स कहते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, उसे अंग्रेजी में कंसोनेंट्स कहते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में हमें स्वरों का अध्ययन करना है जो कि इस पाठ में दिए गए हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। वो कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। अम को अनुस्वार कहते हैं और अहा को विसर्ग कहते हैं। इनके साथ हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। मतलब ये सब मिलकर कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 13 स्वर होते हैं। बच्चों, हमें इस पाठ में सिर्फ अ, आ, ई, ई, उ, उ, इन स्वरों का अध्ययन इस भाग में, पहले भाग में करना है। तो चलो हम इन स्वरों की जानकारी चित्रयुक्त पाठ से लेते। बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। पहचान हमारी भाग एक। ये पूरा पाठ स्वर वाला है। यहाँ स्वर दिए गए हैं अ, आ, ई, ई, उ, उ। देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे। ये शब्द चित्रयुक्त दिए हुए हैं, चित्र से आपको इन शब्दों को समझाया गया है। देखो, छह, डफ, बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक, अनार, दमकल, जलचर, कटहल, आकाश, घट, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर, थपकी। देखो, इनसे जुड़े जो शब्द है वो आगे दिए हुए मात्रा वाले शब्द, ये एक मात्रा वाले अस्वर वाले शब्द है, और आगे वाले जो शब्द है वो है आस्वर वाले। तो इन शब्दों को हमें पढ़ना है, पढ़ो। डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटककर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटकार। देखो बच्चों, ये
ऊपर वाले जो शब्द है वो अस्वर वाले हैं, इनमें अंत में अस्वर आता है, इन शब्दों के उच्चारण के अंत में अस्वर आता है और इन शब्दों के उच्चारण के अंत में आस्वर आता है। जैसे आह, डाक, आस्वर अंत में आता है। अगले शब्द है, देखो, इन स्वरों का प्रयोग इन शब्दों में किया गया है। ये सारे चित्रयुक्त शब्द है। देखो, ई, दूसरा ई, पहला ऊ, दूसरा ओ, तो चित्रयुक्त शब्द दिए हुए हैं। इलायची, चित्र दिखाया गया है। ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल, ठप्पा। देखो बच्चों, इनके भी शब्द दिए हुए हैं। पहले अस्वर वाले, अंत में आने वाले, दूसरे आस्वर वाले, आगे है ईस्वर वाले, ये ऊस्वर वाले, ईस्वर वाले, ये पहला ऊस्वर, दूसरा ऊस्वर और ये ईश्वर वाले। तो हमें इन शब्दों को पढ़ना है। पढ़ो, यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क्कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, आचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। देखो बच्चों, ये सारे शब्द आपको क्या करना है, दो बार इन शब्दों को पढ़ना है और अपने कॉपी में इन शब्दों को लिखना है। तो चलो बच्चों, और हम इन स्वरों के बारे में, ये जो स्वर दिए हुए हैं और इनसे शब्द कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, ये सारे शब्द, इन शब्दों में से स्वरों का परिचय दिया गया है। क अधिक अ बराबर क, ये शब्द बन, ये अक्षर बनता है। इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो वह आधा माना जाता है। उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देखो, इस अक्षर के साथ हलंत लगा है। क में अस्वर जोड़ने पर ही पूरा शब्द, पूरा अक्षर बनता है और उसका स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है। इसी प्रकार ये शब्द या अक्षर दिए हुए हैं, किस तरह बनते हैं। ख को हलंत किया है, उसे अ
स्वर जोड़ दिया है तो पूरा ख अक्षर बना है। ग को ये आधा स्वर है, ग हलंत करने पर ये आधा है, उसे अ स्वर जोड़ने पर ही ग अक्षर का उच्चारण होता है। देखो ग के अंत में कौन सा स्वर का उच्चारण होता है, अ, मतलब ग आधा, उसमें अ स्वर जोड़कर ग अक्षर बना है। ड हलंत करके अ स्वर को जोड़ दिया है तभी उसका पूरे अक्षर का उच्चारण पूर्ण होता है ड। अब हमें आ स्वर वाले अक्षरों को देखना है। अ के अतिरिक्त अन्य स्वर जोड़ने पर हलंत वाला अक्षर पूरा अक्षर बनता है और उसका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे क हलंत करके उसमें आ स्वर जोड़ने पर का अक्षर बना है, ग में आ स्वर जोड़ने पर गा, क में ई स्वर जोड़ने पर पहला की बना है, ये पहला ई है तो उसमें ई जोड़कर की शब्द बना है, क जोड़कर ऊ जोड़कर उसमें कु ये अक्षर बना है। आगे देखो इस शब्द में ये अस्वर वाले शब्द है। देखो छह फल डफ अदरक ये सारे शब्द अस्वर वाले हैं। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर में अंत में मुंह से अस्वर निकलता है। आगे है आशा काका दादा, ये शब्द आस्वर वाले हैं, आस्वर वाले हैं। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के साथ आ स्वर मुंह से आता है, निकलता है। आ स्वर की मात्रा यह होती है, आ स्वर वाले अक्षर के साथ यह मात्रा लगाई जाती है। देखो यह मात्रा लगाई जाती है तभी आ स्वर वाले शब्दों का उच्चारण होता है। ई की मात्रा यह है, जैसे देखो शब्द दिए हुए साइकिल छिपकली चिड़िया टिकिया, ये ई स्वर वाले शब्द है। ई की मात्रा इस तरह होती है, जैसे ई की मात्रा अधिक क उसका उच्चारण किया गया है कि, ई की मात्रा जोड़कर शब्द बना है ची, ई की मात्रा जोड़कर ट को जोड़ दिया है उसकी उच्चारण बना है टी। अगला है घड़ी, घड़ी लड़की चटाई दीदी, ये दूसरा ई, दूसरा ई स्वर का प्रयोग करके ये शब्द बने हैं। ये ई की मात्रा इस तरह होती है। इन शब्दों में ई स्वर का प्रयोग किया गया है। यह मात्रा अक्षर के दाई ओर लगाई जाती है। देखो जैसे ड अधिक ई बराबर डी, क अधिक ई बराबर की, द अधिक ई बराबर दी, इस तरह इन शब्दों को, इन अक्षरों को बनाया जाता है। अगला स्वर है उ, पहला उ। इन शब्दों में देखो शब्द कौन से, धुन कुमुद कनु, इन शब्दों में उ स्वर का प्रयोग किया गया है। उ की मात्रा इस तरह होती है। तो देखो यह मात्रा अक्षर की दाई ओर लगाई जाती है, दाई ओर लगाई जाती है। देखो जैसे घ अधिक उ बराबर घू,
क अधिक उ बराबर कु, म अधिक उ बराबर मु। आगे है शब्द दिए हुए हैं धूप चिक्कू बबलू। इन शब्दों में उ स्वर का प्रयोग किया गया है। उ स्वर की मात्रा यह है, जैसे घ अधिक उ बराबर घु, दूसरा घु, दूसरा उ है यह। क अधिक उ बराबर कु, ब अधिक उ बराबर बू। इस तरह यह मात्रा नीचे लगाई जाती, अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। देखो इस पर मैंने आपको प्रश्न दिए, समझ में आया अब इन ये जो स्वर है वो किस तरह बने हैं, इनका अर्थ आपको समझ में आया ही होगा बच्चों। ये सारे जो मैंने शब्द दिए हुए हैं, इन सारे शब्दों को आपको लिखना है। समझ में आया? जैसे मैंने लिख कर दिया है, इन सारे शब्दों को आपको लिखना है। प्रश्न मैंने यहाँ दिए है आपको, प्रश्न पहला अस्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। जो पाठ में दिए हुए है ना, देखो इस पाठ में जो शब्द दिए हुए है ना, इन सारे शब्दों को क्या करना है, शब्दों में से अस्वर वाले शब्दों को अलग करके लिखना है। प्रश्न दूसरा आस्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। प्रश्न तीसरा ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। प्रश्न चौथा दूसरा ई स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। पांचवा ऊ, पहला जो ऊ है ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। और छठवा प्रश्न है दूसरा जो ऊ है ऊ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। देखो बच्चों इन सारे प्रश्नों को आपको, प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। और ये इन सारे शब्दों को बार बार आपको अच्छी तरह से स्पष्टता से पढ़ना है। समझ में आया बच्चों? आपको ये पाठ समझ में आया ही होगा, यह मैं आशा करती हूँ। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।